बारह ठोपदों का व्याख्या कर चुके हैं, बारह ठोपदों को पढ़ चुके हैं। अब कबीरदास के साथी से हम लोग 13 नंबर का व्याख्या पढ़ेंगे, 13वें पद को देखेंगे। आइए हम लोग व्याख्या करते हैं, देखते हैं क्या ई अवसर चेत्यानंदी पशु जुपाली दे राम नाम जाण्या नहीं अंत पड़ा अंत पड़ी मुंह से क्या कर रहे हैं इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे कि राम इन अवसर चेत्यानंदी मतलब समय होते ही आपने ध्यान नहीं दिया। मतलब जब हमारे पास समय था तब हमने उस भगवान को नहीं याद किया और पशु पाला दे और पशुओं के भाग अपने शरीर का हम लोग पालन पोषण करते रहे। और शरीर मतलब अवसर समय चेत्य मतलब सावधान। जब हमारे पास समय रहा तब तो हम लोग सावधान हुए नहीं कि हमें राम का नाम का जाप करना चाहिए। हम अपने शरीर को बिल्कुल क्या करते रहे पशुओं की समान पालते रहे अर्थात अपने शारीरिक सुख में हम लोग लगे रहे भौतिक सुख में लगे रहे। हमने कभी समय का ध्यान नहीं दिया समय को लेकर के सजग नहीं रहे सावधान नहीं रहे तो और ना ही राम नाम जाना नहीं और राम नाम का नाम हम लोगों ने कभी नहीं लिया। हमेशा हम लोग पशुओं के समान अपने शरीर का पालन पोषण करते रहे अर्थात भौतिक सांसारिक शारीरिक सुखों में हम लोग लगे रहे। कभी राम नाम का हम लोगों ने जाप नहीं किया कभी हमने उस राम के नाम को याद नहीं किया कभी हमने राम के नाम को जपा नहीं। अंत पड़े मुंह से और जब कि हमको पता है कि अंतिम समय आता है तो यह शरीर एक दिन हमारी मिट्टी में ही मिल जानी अर्थात अंत पड़ा मुंह से मतलब होता है से मतलब मिट्टी अंत में हमारे मुख में मिट्टी ही पड़ जानी है अर्थात अंत में हमारा शरीर जो है वो मिट्टी में ही मिल जाता है। फिर से देखते हैं बच्चों कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास समय था जब हमें सावधान रहने की जरूरत थी जब हमें ध्यानपूर्वक रहने की आवश्यकता थी तब तो हमने पशुओं की तरह अपने शरीर का पालन पोषण किया अर्थात हम भौतिक सांसारिक और शारीरिक सुखों में लगे रहे। कभी हमने राम का नाम नहीं लिया कभी हमने भगवान का नाम नहीं लिया कभी हमने राम को याद नहीं किया जबकि ये पता था कि अंत समय में हमारे मुख पे मिट्टी ही पड़ जानी है अर्थात अंत समय में हमारा ये शरीर जो है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये जानने के बाद भी कि हमारा शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा ये जानने के बाद भी हमने कभी राम नाम का जाप नहीं किया। बच्चों इसके काव्य संदर्भ के प्रस्तुत पत्र में उपमा अलंकार रूपक उपमा उपमा अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा उपमा और अनुप्रास शांत रस सदुकड़ी भाषा या पंचमेध खिचड़ी दोहा जो है छंद जो है वो दोहा है। ठीक है बच्चों अब हम लोग 14वां व्याख्या देखते हैं कबीरदास के पदों का 14वां व्याख्या 14 नंबर क्या कर रहे हैं इसमें कबीरदास जी। यह तन काचा कुंभ है यह तन काचा कुंभ है लियो फिरे था साथ ढबका लागी फूट गया कछु न आया हाथ। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे के प्रसंग में कबीरदास जी की शरीर को नश्वर मानते हैं नश्वर मानते हैं नश्वर मानते हुए कहते हैं कि यह तन काचा कुंभ था। कह रहे हैं कबीरदास जी की जो हमारा शरीर है वह कुहार के जैसे कुम्भार होते हैं ना कुम्भार के कच्चा घड़ा होता है जो पकाया नहीं गया होता है थोड़ा सा कहीं से धक्का लगता है तो घड़ा जो है टूट जाता है फूट जाता है जब तक उसको पकाया न जाए। बिना पका हुआ घड़ा जो है तुरंत धक्का लगने पे हल्का सा ही कहीं यदि कहीं क्रच हुआ तो वो टूट जाता है फूट जाता है। उसी प्रकार यह हमारा तन मतलब शरीर भी है हमारा शरीर भी कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है जो हमारा शरीर भी कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है। लिया फिर था साथ जिसको हम लोग अपने हमेशा हम लोग जिसको लेकर के घूमते रहते हैं जिसके ऊपर हम लोग
करें कि जो हमारा शरीर है वह शरीर कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कुम्हार के कच्चे घड़े में घड़ा होता है, जिसको हम लोग शरीर, जिस कुम्हार के कच्चे घड़े रूपी शरीर को लेकर के हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसका दिखावा करते हैं, जिसमें हम लोग गर्व करते हैं, जैसे ही हल्का सा धक्का लगता है वह घड़ा टूट जाता है। उसी प्रकार जैसे काल का धक्का इस मनुष्य रूपी शरीर को लगेगा, इस घड़े रूपी शरीर को काल का जब थोड़ा सा भी धक्का लगेगा तो यह शरीर जो है वह तुरंत टूट जाएगा, अर्थात यह शरीर समाप्त हो जाएगा। कछुन आया हाथ, और हमारे हाथ फिर कुछ नहीं लगेगा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्या सर कमेटा जीता फिर से देखते हैं कि यह हमारा जो शरीर है वो कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है, जिसको हम लोग बड़े ही गर्व के साथ इधर उधर ले करके घूमते रहते हैं, जिसमें हम लोग बहुत घमंड करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। और जैसे ही उस काल का हल्का सा भी धक्का लगता है हमारे इस घड़े रूपी शरीर पर, हमारा घड़ा रूपी जो शरीर है वह तुरंत समाप्त हो जाता है, अर्थात मिट्टी में मिल जाता है, और हमारे हाथ अंग में कुछ भी नहीं लगता है। बच्चों आप इस संदर्भ देख लेते हैं, इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार, रूपक और अनुप्रास अलंकार शांत रस सदुकड़ी भाषा या पंचमेध खिचड़ी कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, और छंद जो है वो दोहा है। बच्चों अब हम लोग कबीर दास के द्वारा रचित सबसे लास्ट में 15वां दोहा को देखते हैं, जो आप लोग के सिलेबस में सबसे लास्ट में है। कबीरा कहाँ गरीब यौ देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिल गए नहीं जो कहाँ चले भुजंग। कबीरा कहाँ गरीब यौ, कबीर दास जी कह रहे हैं कबीरा कहाँ गरीब यौ, गरीबियों का मतलब होता है घमंड करना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि देही मतलब शरीर, सुरंग मतलब सुंदर रंग। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हम अपने शारीरिक शरीर के सुंदर रंग को देख करके घमंड करते हैं, अर्थात हमें ये शरीर के सुंदर रंग को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़िया मिलवे नहीं, क्योंकि जब हमारा शरीर आत्मा से अलग हो जाती है, जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो दोबारा हमारे शरीर से आत्मा का मिलन नहीं होता है। जब आत्मा जो है शरीर से बिछड़ जाती है तो दोबारा शरीर से नहीं मिलती है। जो काचली भुजंग, जिस प्रकार काचली मतलब केचुई, काचली मतलब केचुली होता है, भुजंग मतलब सांप, जिस प्रकार सांप अपने केचुली से अलग हो जाता है तो दोबारा उस केचुली में तो जाता नहीं, जब अलग हो गया तो हो गया, अब दोबारा उस केचुली में सांप नहीं प्रवेश करता है। उसी प्रकार यह हमारा शरीर भी है कि जब हम अपने, जब हमारा हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो दोबारा हमारे शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं करती है। फिर से बच्चों देख लेते हैं, कबीर दास जी कह रहे हैं कि हम अपने इस शरीर के सौंदर्य को देख के, रूप रंग को देख करके घमंड क्यों करते हैं, अर्थात हमें अपने इस शरीर की सुंदरता को देख के, शरीर के रंग रूप को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि जब हमारा आत्मा शरीर से निकल जाता है, बिछड़ जाता है, तो दोबारा वह आत्मा शरीर से नहीं मिलता है, अर्थात अब वह शरीर से अलग ही हो जाता है। जिस प्रकार केचुली से सांप अलग हो जाता है, दोबारा सांप जो है उस केचुली में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो दोबारा आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बच्चों आइए इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसका काव्य सौंदर्य जो है वो छंद दोहा भाषा सदुकड़ी या पंचमेध खिचड़ी, रस जो है वो शांत है, और वो अलंकार जो है उपमा और अनुप्रास है। बच्चों आज आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया, पहला चैप्टर जो कि कबीर दास द्वारा रचित साखी था जो समाप्त हो गया। रोज में आप लोग को होमवर्क देती हूँ, आज भी दे रही हूँ कि इसमें से 14 और 15 लास्ट वाला 14 और 15 दो पदों का व्याख्या